सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वीडियो में अपना फुल डे फीटिंग दिखाने वाला हूँ। जो कुछ भी मैं दिन भर में खाता हूँ वो इस वीडियो में मैं अपने दिखाने वाला हूँ। सो इसके अगर मैं एग्जैक्ट फिगर्स अगर बताऊँ तो वो होते हैं 3200 कैलोरीज प्लस 300 कैलोरीज मैं अपने कुकिंग ऑयल से निकाल लेता हूँ। सो वो टोटल हो जाते हैं 3500 कैलोरीज, जिसमें की प्रोटीन आते हैं 191 ग्राम, फैट्स होते हैं 124 ग्राम, कार्ब्स होते हैं 300 ग्राम और फाइबर्स होते हैं 50 ग्राम। और मैं जनरली सुबह को ट्रेन करता हूँ। और मैं आपको अपना प्री वर्कआउट मील इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं प्री वर्कआउट मील कुछ नहीं लेता हूँ। मैं सिर्फ सोकर उठता हूँ और सीधा जिम को भागता हूँ। और मैं ऐसा क्यों करता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा अपने डिनर पे। तो नाश्ता में मैं बनाने वाला हूँ 7 अंडे और 4 ब्रेड स्लाइस का फ्रेंच टोस्ट। वैसे फ्रेंच टोस्ट कुछ नहीं होता, ये अंग्रेज लोग पागल है साले, इसको ब्रेड ऑमलेट बोलते हैं चूतिया वालों। तो ठीक है, बनाते हैं और बस बनाते हैं। एक खाला चैनल ब्लॉक करता है तो वीडियो नहीं देखना चाहिए ना, इसीलिए ये होता है। इस साइड से दिखाता तो सब दिखेगा मेरे को, मतलब तेरे को भी दिखेगा और मेरे को भी दिखेगा, मतलब तू भी दिखेगा और मैं भी दिखूंगा, नहीं पता दिखेंगे फिर भी दिखेंगे, इतना है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो यार आपको बाकी बहुत सारे फिटनेस यूट्यूबर्स ऐसा बोलेंगे कि भाई ऑलिव ऑयल से कुकिंग किया करो, ऑलिव ऑयल यूज किया करो, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऑलिव ऑयल पे पैसा बचाओ और सरसों तेल यूज करो। अच्छा तो ये है मेरा सिंपल सा ब्रेकफास्ट। और यार ब्रेकफास्ट का ऐसे है कि यार मैं ना कुछ ऐसा सोच के नहीं रखे रहता हूँ कि आज यही नाश्ता करना है। बस मेरा ऐसा है कि मेरे को 7 अंडा खाना है तो मैं 7 अंडा कभी भी खा लेता हूँ, मुझे इतना चिकन खाना है तो मैं कभी भी खा लेता हूँ। हो सकता है कि अगर कल मैंने अगर ये फुल डे फिटिंग का वीडियो अगर बनाया होता तो कल मैंने खाया था 2 मसाला डोसा। तो बस यार मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं अपने डाइट को लेकर बहुत ही फ्लेक्सिबल रहता हूँ, बस मैं ये ध्यान में रखता हूँ कि मेरा प्रोटीन गोल हिट हो रहा है। और बस अब नाश्ता करता हूँ, इसके बाद नहाने जाऊंगा, फिर आपको अपना लंच दिखाता हूँ। मन कर रहा हूँ, हम गरीब लोगों के नसीब में ये सब नहीं होता क्या? मिलेंगे अबे, ऑलमोस्ट हट जाओ वहां से और चल वीडियो बना मेरा चुपचाप। उठ चल बे, उठ जल्दी, चल लेना जी। ओके सो लंच का टाइम हो गया और लंच में मैं ले रहा हूँ 300 ग्राम चावल और ये कुछ है अराउंड, ये भी शायद 200 ग्राम या शायद 250 ग्राम के आसपास ये छोले हैं, काले छोले। ये देखो ये थाली का साइज कितना बड़ा है। सो ये एक बल्किंग का ट्रिक हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि अगर आप बड़े प्लेट में खाते हो तो आपको वो क्वांटिटी थोड़ा सा लगता है। सो उससे आप थोड़ा ज़्यादा ठूस सकते हो तो बल्किंग अच्छा होगा। और बाकी बस सॉर्टेड मिले यार, काब ये सब्जी में भी काब प्लस प्रोटीन, हालांकि दोनों का अमीनो एसिड प्रोफाइल लाइक कंप्लीट नहीं होता, बट अगर आप ये दोनों को अगर मिक्स कर दोगे तो ये कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। और प्लस ये छोले में फाइबर्स भी होता है तो प्रॉपर मील। अब इसे ख़त्म करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपको अपने अगले मील पे। और नहीं पता क्यों यार मेरे को खाने का जायका ना बेड पर ही आता है, और अगर आप चम्मच से अगर खाना खाते हो तो हाथ से खाया करो, क्योंकि खाने के बाद इसका उंगली चाटने का जो जायका होता है वो भी कुछ अलग ही होता है। तो बस अब अगले मील में मिलते हैं, कट कर दे, खा लेता हूँ मैं। ओके सो अब मैं वापस से जिम आ चुका हूँ, क्योंकि सुबह को मेरा वर्कआउट पूरा नहीं हुआ था, ट्राइसेप बचा था तो अभी ट्राइसेप करने के लिए आया हूँ। और प्री वर्कआउट मील जो था वो असल में मेरा लंच ही था, तो अगर मैं अगर शाम को अगर ट्रेन करता हूँ तो जो मेरा लंच होता है वही असल में मेरा प्री वर्कआउट मील होता है। तो अब थोड़ा सा ट्राइसेप करता हूँ, नहीं पता दिखाऊंगा कि नहीं, थोड़ा सा दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर घर चल के दिखाता हूँ। तो
अभी अभी मैं जिम से आ चुका हूँ और देखो भाई बड़ी एकदम नहा लिया, बाल थोड़ा गीला गीला दिख रहा होगा। और जिम से आने के बाद अब मैं ले रहा हूँ ये आधा लीटर दूध है और आधा लीटर दूध में एक स्कूप वे प्रोटीन। और ये एक लीटर दूध मैं आज के वीडियो में ले रहा हूँ, मतलब क्या है कि आज मैं वो खाया था, आज मैं लंच में चना खाया था, तो क्या है कि वो भी थोड़ा हाई कैलोरी रहता है, इसलिए आज मैं आधा लीटर ये ले रहा हूँ। और अगर आज चना नहीं बना होता, सिर्फ दाल बना होता और कुछ सब्ज़ी बना होता तो मैं आज शायद एक लीटर दूध पी रहा होता। तो ये डायरेक्ट आपसे मिलता हूँ डिनर पे। आओ भाई। और ये वीडियो में तो बहुत ही खास मेहमान लोग आने वाले हैं, तो उनको भी दिखा देता हूँ। एक ये है हड़बे ऑलमोस्ट बग साले, एक ये है अंकी बहन, और ये एक इक्का लेजेंड, ये कुछ ज्यादा ही लेजेंडरी आदमी है जिसको मैं बयां भी नहीं कर सकता। अभी मैं अपने दोस्त को छोड़ने के लिए आया हूँ क्योंकि अभी UPSC का कोचिंग के लिए जा रहा है, UPSC क्रैक करना है अभी इसको। वहाँ जा रहा हूँ, US जा रहा हूँ। रायपुर से फ्लाइट है। US LA जा रहा है क्या? यस, लॉस से मसाज में। मसाज। ओके सो ये है मेरे दिन का आखिरी मील और मैं डिनर में लेता हूँ 200 ग्राम चावल, 2 रोटी और 250 ग्राम चिकन, और उसके साथ मैं लेता हूँ एक कटोरी दही। और इसमें आप देख सकते हो कि मैं दही और सैलेड दोनों को मिक्स कर देता हूँ, तो बढ़िया चाट मसाला डाल के मज़ा आ जाएगा। और एक चीज़ इसके साथ और चावल के साथ मेरे को एक चीज़ खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है जो कि कुछ लोग देखकर चकरा जाएंगे, वो है फ्राइड पापड़। अब देखो यार एक ही ज़िंदगी है, खा लिया करो, खाने के लिए बना है। ओके सो अब मैं अपना प्री वर्कआउट मील रिवील करने वाला हूँ। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं डिनर बहुत ही हैवी लेता हूँ, सो उससे क्या होता है कि जब मैं सुबह उठकर जब जाता हूँ, क्योंकि मैंने अपना डिनर बहुत ही हैवी किया होता है, तो उसकी वजह से मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग में एनर्जी रहता है ताकि मैं जिम कर सकूं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। दिस इज अनीश केकट्टा साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।